तो गाइस यार मैं एमी रोज को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर यार एमी रोज सिर्फ प्यार करती है मेगलाडॉन शार्क से, और एमी रोज उसी को ही डेट करेगी जो सबसे ताकतवर मेगलाडॉन शार्क होगा। तो गाइस यार आज मेरा गोल होने वाला है कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर मेगलाडॉन सोनिक शार्क बनूं। आखिर कोई है मेगलाडॉन शार्क जो मेरे साथ डेट पे जाना चाहता हो? चलो आओ, पानी में से बाहर निकल के, मुझे शार्क बहुत ज्यादा पसंद है। अरे अरे जाने मन, क्या पागलों वाली बात कर रही हो? शार्क तुम तो एक सोनिक हो ना, तो शार्क का क्या करोगी? मेरे जैसे खतरनाक बॉडी बिल्डर के साथ चलो ना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और तुम क्या शार्क को पसंद करती हो? शार्क अच्छी नहीं होती, मेरे साथ चलो, मैं उन्हें ताकतवर, चलो मेरे साथ। अरे नहीं इंसान, मुझे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कोई शार्क से प्यार करना है, मैं सिर्फ शार्क की हो सकती हूँ। कोई है शार्क यहाँ पर? तो गाइस यार मुझे शार्क के अंदर अपग्रेड होना होगा अगर मुझे एमी रोज चाहिए। अरे अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे तुम कौन हो? अरे मैं हूँ शैडो सोनिक, और मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ आज, जिससे तुम एमी रोज को डेट पर लेके जा सको। अगर तुम्हें एक मेगलाडॉन सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड होना है, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर इन बॉडी बिल्डर्स को पीटना पड़ेगा। चलो तुम ये कर सकते हो। ओके तो चलो गाइस इसको पीटते हैं। अरे क्या चाहिए तेरे को? ये ले। ओ गाइस यार ये देखो, ओए मैंने दो बॉडी बिल्डर्स को पीटा, और यार ये देखो मेरी शार्क की तरफ पूछ आ चुकी है। ओह माय गॉड, अरे वाह सोनिक, तुम तो कितने ज्यादा ऑसम लग रहे हो, पर तुम अभी तक पूरी शार्क नहीं बने हो। अगर तुम पूरी शार्क बन जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। तुम्हारे पास फुल्ली शार्क के अंदर अपग्रेड होने के लिए 30 मिनट्स है। अगर तुम 30 मिनट्स के अंदर एक फुल्ली शार्क में अपग्रेड हो गए तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ओ गाइस यार मेरे पास 30 मिनट्स है सिर्फ, मुझे जल्दी से अपने आपको एक मेगलाडॉन शार्क के अंदर अपग्रेड करना होगा। लेट्स गो। हे शैडो सोनिक कहां पर तुम? ओ ये रहा शैडो सोनिक। अरे शैडो सोनिक प्लीज मेरी फिर से हेल्प करो ना। अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी बात सुनो। अगर अब तुम्हें फिर से अपग्रेड होना है तो तुम्हें इस घर में जाना पड़ेगा, और ये घर है हल्क का। उसके पास एक शार्क पोशन है जिसे पी के तुम शार्क के अंदर अपग्रेड हो सकते हो, पर तुम्हें वो शार्क पोशन हल्क से छीनना पड़ेगा। हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे हल्क से एक हल्क शार्क में चेंज होना है। जाओ तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हल्क ने वो पोशन पी लिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाइस यार आप लोगों ने सुन लिया होगा, मेरे को वो पोशन चाहिए, शार्क पोशन, पर प्रॉब्लम ये है वो पोशन असल में हल्क का है। मैं क्या करूं, हल्क से कैसे मांगू वो पोशन, देगा तो नहीं मेरे को ऐसे। हल्क एक बार ये पोशन पी ले तो उसके बाद हल्क शार्क के अंदर अपग्रेड हो जाएगा, फिर मैं पानी में तैरूंगा। ओ गाइस यार ऐसा नहीं होने दे सकता मैं हल्क, तू नहीं करेगा, ये ले। ओके तो गाइस यार मेरे पास स्टन गन थी और मैंने स्टन गन से हल्क को स्टन कर दिया। अरे बेहोश हो गया के, वापस तो खड़ा नहीं होगा ना, लगता है बेहोश हो गया, खड़ा नहीं होगा ये। चलो गाइस यही मौका मेरे पास जल्दी से पीता हूं। ये देखो गाइस यार जो मेरा सोनिक का चेहरा था वो असल में एक शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका है। लेट्स गो गाइस यार। तो यार अब मुझे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अरे मेरी मदद करो यार प्लीज दोस्त। क्या हो गया सर? अरे मेरी मदद करो, मेरे पास ये खतरनाक वाला फाइटर जेट प्लेन है, बस प्रॉब्लम ये है मैं अभी चाय पी के आ रहा हूँ, पता नहीं किस पागल ने पूरे के पूरे एयरपोर्ट पे यहाँ पर ये अजीब अजीब सी चीजें खड़ी कर दी है। अगर ये नहीं हटी तो मैं टेक ऑफ नहीं कर सकता। तुम मेरी मदद कर सकते हो इन चीजों को हटाने में, अगर तुम मेरी मदद करोगे उससे तुम्हारा स्ट्रेंथ मीटर बढ़ेगा और तुम अपग्रेड हो सकते हो। ये तुम्हारे पास गोल्डन चांस है अपने आप को एक अल्टीमेट शार्क मेगलाडॉन के अंदर अपग्रेड करने का। तो गाइस यार मैं अगर इन चीजों को उठा उठा के फेंक दूं तो यार हम लोग अपग्रेड हो सकते हैं, जैसा उस यार पायलट ने बोला है, मेरे को पता नहीं, पर हम लोग चलो इसकी हेल्प करते हैं। उसके लिए मेरे को सबसे पहले ये कंटेनर उठाना पड़ेगा, और ये हमने उठा लिया है। ये फेंक दिया, ओ ये देखो कितनी दूर फेंका मैंने इसको। और गाइस यार आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे मैंने उसको उठा रहा हूं मेरा स्ट्रेंथ मीटर बढ़ रहा है, और जैसे शायद ये फुल होगा मैं फिर से अपग्रेड होऊंगा। ओ भाई साहब एक एक करके मैंने सभी की सभी चीजों को उठा उठा के फेंक दिया है। ओ भाई साहब ये काफी भारी था। ओए ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो, कितना अजीब हेलीकॉप्टर, मैंने आज से पहले इतना अजीब हेलीकॉप्टर नहीं देखा, मैंने इसको भी फेंक दिया। बस ये लास्ट में अब ये ब्लिंप बचा है, इसको उठा के और फेंक देता हूं। और ये देखो भाई हमने इसको भी उठा लिया और ये फेंक दिया, और ये देखो हमारा स्ट्रेंथ मीटर फुल हो चुका है, मतलब अपग्रेड होऊंगा। और ये देखो गाइस यार हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं, मेरा फेस देख रहे हो एक प्रॉपर शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका है। लेट्स गो गाइस। अरे तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, बहुत ज्यादा, तुम नहीं होते तो आज मैं लेट हो जाता। मुझे असल में रशिया के ऊपर हमला करने जाना है, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। अरे मुझे तेरा शुक्रिया करना चाहिए यार। चलो यार अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड करते हैं। ओके तो भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी मदद करो। क्या हो गया भाई साहब, क्या किस लिए रो रहे तू? आज मेरा प्रमोशन होने वाला था, मैंने एक आतंकवादी को पकड़ा है, पर क्या करूं ये बस खराब हो गई, मेरे को इसको लेके पहुंचना है जल्दी से
जेल के अंदर इससे पहले कि भाग जाए। मेरी मदद करो, पता नहीं मेरी बस के अंदर क्या खराबी हो गई है, मेरे को जल्दी सी जेल पहुंचना है। आज मेरा प्रमोशन होगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। मैं काफी दिनों से हवलदार की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, पर मेरे को अब एक ऑफिसर बनना है। मेरे दोस्त तुम मेरी मदद करो ना, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा और तुम अपग्रेड होगे। प्लीज। ओके तो गाइस यार मुझे सिंपली क्या करना है, मैं इस बस को उठा के फेंकने वाला हूँ कहाँ पर, सीधा जेल के अंदर। हाय, एक और बात, सामने तुम्हें एक और पुलिस की व्हीकल मिलेगी, उसको और फेंक देना। ओके चलो ठीक है, इसको फेंकता हूँ। सबसे पहले फेंक दूंगा मैं, और ये फेंका मैंने दम लगा के। ओ भाई बहुत दूर फेंका, कितनी तेज फेंका इसने। अरे मैं तो हवा में उड़ता ही जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, ये तो जेल है, मैं तो जेल में पहुंचने वाला हूँ सीधा। ओह माय गॉड, कितनी ताकत थी उस आदमी के अंदर और उसने मेरे को सीधा जेल में फेंका। ओके तो गाइस यार मैंने उसको सीधा जेल में फेंका है, और ये देखो यहाँ पर एक और मिलिट्री व्हीकल है, शायद यही व्हीकल के बारे में वो आदमी बात कर रहा होगा। चलो गाइस यार इसको भी उठा के डायरेक्ट हमें जेल के अंदर फेंकना है, और ये हमने उसको उठा लिया हवा के अंदर, और हम इसको थ्रो करने वाले, पूरा दम लगा के ये फेंका। भाई साहब सीधा जेल में जाएगा ना ये। वो गाइस ये देखो हम लोग फिर से अपग्रेड हो गए, और अब मैं प्रॉपर शार्क लग रहा हूँ यार, पहले से काफी सही लग रहा हूँ मैं। यही तो चाहिए था मेरे को। पर गाइस यार अभी तक मैं पावरफुल मेगालोडॉन शार्क में अपग्रेड नहीं हुआ, फुल्ली मेगालोडॉन में अपग्रेड नहीं हुआ, उसके लिए मेरे को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स गो। तो गाइस यार अब मेरे को और भी ज्यादा अपग्रेड होना है, इसलिए मैं आ चुका हूँ टोनी के घर पर, और मेरे को पता है कि टोनी के पास ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होगी जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। हे टोनी प्लीज मेरी मदद करो। अरे तुम कौन हो? अरे मैं सुमित हूँ, भूल गया क्या? अरे सुमित मेरी मदद करो प्लीज। क्या हो गया? अरे ये देखो यार मेरा घर का रास्ता बंद हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। क्या हो गया, किसने किया? मुझे नहीं पता किसने मेरे घर का दरवाजा बंद किया, किसी पागल ने मेरे घर के दरवाजे के आगे इतनी सारी चीजें रख दी है, इनको हटाना पड़ेगा। और मेरे सूट की बैटरी भी लो हो चुकी है तो मैं इनको खुद से नहीं हटा सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इनको हटाने में। और इनको हटाने के बाद अगर तुम इतने पावरफुल हो, उस मशीन में पंच मार के उसे स्टार्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी से। अगर तुम इतना तेज पंच मारोगे इस मशीन में तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, अगर तुम ये कर पाए तो तुम अपग्रेड हो सकते हो। बताओ तुम करोगे मेरी हेल्प? मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है यार, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से फालतू की चीजें जो इसके घर के आगे रखी हुई है इनको उठा उठा के फेंकना है। तो सबसे पहले हमने ये टैंकर फेंक दिया है, उसके बाद ये पता नहीं यार आर्मी की व्हीकल लग रही है, पता नहीं क्या चीज है, और इसको भी मैंने उठा के साइड में फेंक दिया भाई परफेक्टली। ओए ये गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तो इसको जेल में फेंका था ना, शायद ये और किसी की होगी, इसे भी फेंक दिया हमने। अब भाई ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्या कर रही है, पता नहीं कौन बीच में चीजें फेंके जा रहा है यार। तो गाइस सभी चीजों को मैंने फेंक दिया, अब मेरे को फुल स्पीड से इसे पंच करना है। बूम! ओ भाई साहब ये देखो मैंने उस जैसी चीज को पंच किया, मैं फिर से अपग्रेड हो गया, और ये देखो मैं पहले से ज्यादा कितना ओपी लग रहा हूं यार। मैं तो धीरे-धीरे करके काफी खतरनाक वाले शार्क के अंदर अपग्रेड होता जा रहा हूं यार। आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो शार्क ओपी जिससे हम और भी ज्यादा अपग्रेड होए। तो गाइस यार मेरे को अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां पर आ चुका हूं। हे बच्चे क्या ले तेरे, मेरी मदद करो। क्या हो गया? मेरा कल प्रोजेक्ट है पर मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, और ये सारा सामान बहुत ज्यादा भारी है, मेरी मदद करो ना। ये सारा का सारा सामान तुम एक जगह लाके दे दो जिससे मैं इसे ट्रक के अंदर भर के लेके जा सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाऊं। प्लीज मेरी मदद करो और ये सारा का सारा सामान इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ, क्योंकि वो बहुत भारी है, मैं खुद से नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम भी अपग्रेड हो सकते हो अल्टीमेट मेगालोडॉन शार्क के अंदर, करो जाओ। ओके तो गाइस यार मुझे अपने आप को अपग्रेड ही करना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो गाइस यार सबसे पहले मेरे को ये वेट्स उठाने हैं, और ये देखो भाई मैंने इसको उठा के अपने सिर के ऊपर रख लिया, और ये काफी ज्यादा लाइट लग रहा है यार। वैसे होगा कम से कम 100-200 किलो, पर प्रॉब्लम नहीं है। तो यार यहां पर हमने एक डायनामाइट अपने सिर के ऊपर रख लिया कि ये फट तो नहीं जाएगा कहीं पर। ओके तो गाइस यार अभी तक हम लोग सेफ जा रहे हैं बिल्कुल इसको उठाने मेरे को, और ये हमने सिर पे उठा के इसको भी रख लिया है। तो गाइस यार यहां पर हमने एक बॉल भी रख ली अपने सर के ऊपर, और यहां पर सामने दो बॉल्स और है। भाई यार मेरे को बहुत ज्यादा भारी लग रही है अब चीजें बता रहा हूं सेमी। ओए इससे तो और भी ज्यादा भारी हो गया, अब ये बॉल्स कोई नॉर्मल बॉल्स नहीं लग रही है मेरे को, वेट ज्यादा होता जा रहा है धीरे-धीरे करके। आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पावर अप जिससे मेरे अंदर ज्यादा पावर आए और मैं इन सभी चीजों को उठा पाऊं। और भाई ये शिप क्या कर रही है यहां पर, इतनी बड़ी शिप, इसको उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा मैं? और ये भाई साहब ये देखो हमने फाइनली शिप को भी उठा लिया है, और ये देखो यार मैंने इन सभी चीजों को आसानी से उठा लिया, और मेरी स्ट्रेंथ देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरा स्ट्रेंथ मीटर फुल होने ही वाला है, यही तो मेरे को चाहिए था। बस पहुंचने वाला हूँ, कहाँ गया वो बच्चे? अरे यहाँ पर आओ, यहाँ पर।
आ गया आ गया आ गया। तो गाइस यार देख रहे हो मैंने सारे सामान को सिर के ऊपर रख लिया है, और ये देखो भाई कितना कूल लग रहा हूँ मैं इन सभी चीजों को अपने सर के ऊपर रखने के बाद। और ये देखो भाई हमारा स्ट्रेंथ मीटर फुल हो गया। अरे भैया अभी तुम अपग्रेड नहीं हो सकते। क्यों, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो ये है मैजिकल बोर्ड, इसके ऊपर तुम्हें अपनी शार्क ड्रॉ करनी पड़ेगी, मेगलोडॉन शार्क, जिससे तुम ड्रॉ करोगे फिर तुम अपग्रेड हो सकते हो। मतलब इसके ऊपर ड्रॉ करो जैसे शकलक बुम बुम होती है। ओके तो गाइस यार मुझे इसके ऊपर शार्क ड्रॉ करनी है, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को मैजिकल बोर्ड के ऊपर एक शार्क ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक शार्क बनाने वाले हैं। और तुम्हारे भाई की पेंटिंग बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि मैं स्कूल के अंदर पेंटिंग करता ही नहीं था। तुम लोग यह बताओ किस किस ने स्कूल के अंदर पेंटिंग की है या फिर अभी पेपर देके आए हैं। ओके तो गाइस यार शार्क कुछ ऐसी दिखती है ना। ओके तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा घबरा रहा है क्योंकि मेरे को शार्क बनाने नहीं आती और कहीं पर मैंने गंदा बना दिया तो भाई साहब मैं वैसा ही चीज बन जाऊंगा। तो यार यहाँ पर मैंने अभी तक बिल्कुल सही बनाया है और मेरे को एक सोनिक शार्क बनानी है, याद रखना ठीक है। हमें कोई नॉर्मल शार्क नहीं बनानी, हमें एक सोनिक शार्क बनानी है जो कि बहुत ज्यादा अलग दिखेगी एक नॉर्मल शार्क से। यहाँ पर मैं एक बार इरेजर यूज करूंगा। ओ शिट, इरेजर तो अच्छे से काम नहीं कर रहा, मेरे को इसके अंदर ही करना पड़ेगा ढंग से। इसको मेरे को असल में यहाँ सामने जोड़ना है और इसका मुंह भी तो होगा शार्क का। ओ भाई एकदम सही है शायद, और यहाँ पर इसके मोटे मोटे दांत होंगे, हाँ एकदम परफेक्ट, नीचे भी होंगे, नीचे वाले भी कर देते हैं। ओके मेरे साथ तुमने बिल्कुल सही किया, अभी तक जैसी शार्क दिख रही है ना, हाँ शार्क ही लग रही है। अब मेरे को इसकी आंखें बनानी है और ये बिल्कुल परफेक्टली हमने इसकी आंखें भी बना दी, एकदम बढ़िया, अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही है। अब मेरे को सोनिक वाली इसको बाल बनाने, जो सोनिक के बाल होते हैं वैसे इसके बाल होने चाहिए। उसके लिए मेरे को क्या करना है, हम इसके बाल बनाने वाले। सोनिक के बाल कैसे होते हैं, ऐसे मोटे मोटे होते हैं। ओ भाई प्लीज अच्छे से बन जाइयो, खराब मत होइयो। ओके ये सोनिक के मुझे बाल बनाने पड़ेंगे। यार ये तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है पर ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को ये सोनिक के ऐसे बाल होते हैं ना। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, एकदम परफेक्ट, कितना अजीब लग रहा है। अब मेरे को इसका कलर देना है। कलर से पहले इसका टू शेड्स के अंदर हम बनाने वाले हैं शार्क को। एक शेड के अंदर बनाएंगे तो अजीब लगेगी, एक शेड के अंदर तो बहुत ही अजीब लगेगी सही में। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसकी नीचे वाली साइड को कोई दूसरा कलर देंगे, एकदम परफेक्ट, इस वाली साइड को दूसरा कलर देंगे। हाँ एक सेकंड, एक चीज रह गई, ये तो इसका फन हो गया, अब इसके नीचे साइड भी होगा ना शायद एक, हाँ एक ऐसे करना पड़ेगा, परफेक्ट एकदम बढ़िया। अब मेरे को इसकी टांगे बनानी है क्योंकि मैं हूँ एक सोनिक तो सोनिक की टांगे होनी जरूरी है। उसके लिए हम लोग इसकी टांगे बनाने वाली है, ये हो गई इसकी जुराब एकदम परफेक्टली। अब मेरे को इसके पैर बनाने हैं और ये, अरे भाई यार इसके जूते बनाने बहुत ज्यादा हार्ड है सोनिक के, और ये परफेक्ट। अरे भैया तुम तो बहुत मस्त ड्राइंग बना रहे हो, ये तो सोनिक लग रहा है सच्ची। अंकल भैया बोल कभी अंकल, एक चीज बोलना। अरे अंकल हाँ मतलब अच्छा लग रहा है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इसकी ये जुराब, मेरे को जूते कम लग रहे जुराब। अरे भाई यार भाई प्लीज अच्छे से बन जा यार, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। तो यार मुझसे तो ऐसे ही बना, अब मेरे को इसके अंदर पेंट करना जरूरी है, अगर कोई दूसरा कलर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके जूते में कलर करेंगे जो कि सोनिक का होता है रेड, रेड जूता। अबे एक सेकंड मेरे को पेंसिल चाहिए, नहीं नहीं ब्रश 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 कहाँ गई, अबे ब्रश ये रही, हाँ इसको जॉइंट तो कर दे पूरा ढंग से एकदम परफेक्ट। हाँ वापस हम पेंट का डब्बा निकालते, ये रहा सबसे पहले हम इसके पेंट कर देते जूतों का, रेड पेंट हो गया सोनिक के जूतों का। अब मेरे को इसके अंदर व्हाइट पेंट करना है, मतलब व्हाइट तो है ये ऑलरेडी, तो मतलब इसके अंदर हम थोड़ा क्रीम कलर कर देते हैं। नहीं ये तो बहुत गंदा लग रहा है, व्हाइट ही रहने देते क्योंकि शूज व्हाइट ही रहते सोनिक के, ठीक है। ओके परफेक्ट, अब हमें लेना है एक ब्लू कलर, तो ये वाला ब्लू कलर एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ नहीं ये सोनिक का कलर नहीं है, सोनिक का कलर दूसरा होता है, उसके लिए मेरे को इसमें जाना पड़ेगा और हमें सोनिक का ब्लू कलर चाहिए एकदम परफेक्ट। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, सोनिक इसी कलर का होता है, तुम लोगों को भी पता है। ओके यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, और इसके अंदर हम दूसरा कलर करेंगे, ये सोनिक के बाल हो गए एकदम परफेक्ट, देख रहे हो यार जैसा मेरे को चाहिए था बिल्कुल वैसा। अब मेरे को चाहिए स्किन कलर, स्किन कलर कौन सा होता है, स्किन कलर कौन सा है मुझे नहीं पता, शायद यही होता है। ओके बिल्कुल परफेक्ट, और हम इसके दांत व्हाइट व्हाइट दांत रहने देते। तो फाइनली मेरी सोनिक मेगलोडॉन शार्क बनके तैयार हो चुकी है, बस हम इसको क्या करना है, यहाँ पर हमें लिख देना है मैजिक, उसके बाद डन, हम एक मेगलोडॉन सोनिक के अंदर अपग्रेड हो जाएंगे और ये मैजिक डू। ओह ये देखो यार हम लोग एक प्रॉपर शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुके हैं, पर अभी भी मैं सबसे ताकतवर मेगलोडॉन शार्क में नहीं हूँ अपग्रेड। ओए पुत्र छड़ांगे नहीं तो तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। आज तुम में से जो कोई भी रैंप चैलेंज जीतेगा उसे मैं देने वाला हूँ हल्की अल्टीमेट केड़ा, जिसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर अल्टीमेट स्टेमिना स्ट्रेंथ आएगी जैसी अल्क के पास है। मेरे को वो केला किसी भी हालत में चाहिए, मुझे मेरी पावर बढ़ानी।
करनी है। ओए डस लूंगा तुझे नहीं, वो केला मुझे चाहिए, मुझे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अबे तुम लोगों को नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे भाई मीरोस को डेट पे लेके जाना है यार। ओए लड़के किसी को भी कहीं भी लेके जाओ, पर मैं तुम्हें रैंप चैलेंज बता देता हूँ। तुम्हें वहाँ से स्टार्ट करना गाड़ी लेके, उसके बाद तुम्हें यहाँ तक गाड़ी घुमानी गोल गोल, उसके बाद तुम पहुंचोगे यहाँ पर। अरे बड़ा कंफ्यूज है यार सबको, तो मैं खुद ही बोल गया किस तरीके से रैंप चैलेंज बनवाया था मैंने। हाँ उसके बाद तुम जाओगे ट्यूब में तक गोल गोल चक्कर काट के। तो आप लोग के देख रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना महंगा रैंप चैलेंज बनवाया हमने, तुम लोग वीडियो ने लाइक भी ना करो। और आखिर में तुम पहुंचोगे और जहाँ मिलेगी तुम्हें हल्की सुपर बनाना, जिसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर आएगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बोले तो शक्तिमान के फुप्पे। वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लंबियरी होगी और मैं जीत के जाने वाला हूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले जो बंदा जा रहा है वो है स्पाइडरमैन, और मेरे को लग रहा है कि भाई स्पाइडरमैन जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि ये जीतना चाहे। अगर ये जीत गया तो हम लोग कभी भी एक अल्टीमेट मैकलाडोन सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, और मैंने जितनी भी मेहनत की अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगी यार। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये यहाँ पर जीत गया तो आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से पैंट फाड़ दो यार, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो क्रैक, जिससे यहीं पर गिर जाए भाई कहीं पर भी, ठीक है ना। कॉमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी लिखो यार, कॉमेंट बॉक्स के अंदर क्रैक, जिससे हार जाए, वरना मैं हार जाऊंगा यार। आइला तो कुछ भी नहीं कर सकता। अबे तेरे को क्या लगता है मेरे लो मेरे दोस्तों को तू चैलेंज कर रहा है क्या? आइला हाँ चैलेंज कर रहा हूँ। तेरी ऐसी तैसी गाइस, एनु बता दो यार थम कितने खतरनाक हो, इसकी ऐसी बैंड बजा दो कि ना सोच ही ना होगा दी, ठीक है ना। आइला तो नहीं कर सकता सुमित मेरा कुछ भी। और ये देख मैंने क्या बोला था, बुद्धि चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। आइला ओए डस लूंगा, स्पाइडरमैन तो कभी भी नहीं जीतने वाला था, वो मुझे हमेशा से पता था, पर जीतूंगा तो मैं ही। ओए डस लूंगा। तो गाइस यार ये अब यहाँ पर जा रहा है ये वेनम का बच्चा, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वेनम यहाँ पर जीतने वाला है, क्योंकि यार इसकी बुद्धि लाल है, और जिसकी बुद्धि लाल होती है वो आदमी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। ओए डस लूंगा, क्या बकवास करे जा रहा है, सर पैर की तो बात कर ले कम से कम। अब भाई साहब ये मैंने सुना है कहीं पर। अरे मैंने तो आपसे कहीं भी नहीं सुना, जिसकी बुद्धि लाल है वो ज्यादा स्मार्ट होता है। गाइस यार तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने ये चीज कहीं पर सुनी है नहीं सुनी है? अरे क्या बकवास वाली बात कर रहा है। गाइस यार असल में मैं इसको जानबूझ के ऐसी झूठी बातें बता रहा हूँ, जिससे ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। हाँ गाइस यार बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, लाल बुद्धि वाला आदमी पागल होता है? अरे क्या बकवास कर रहा है, कभी तू जीनियस बताता है, कभी तू पागल बनाता है। अबे यार सॉरी पागल होता है, मैंने गलत बोला था तब। अच्छा तेरे को क्या लगता है मैं पागल हूँ? हाँ तू पागल ही है। ओए डस लूंगा, अब तुझे पता लगेगा कि वेनम कितना ज्यादा स्मार्ट है, ये देख क्या जंप लगाई है मैंने। भाई साहब इसको कैसे ना कैसे करके इसका टेंपर बाहर निकालना पड़ेगा, भाई इसको गुस्सा आना चाहिए। ओए वेनम के बच्चे क्या चोटी सी कर रहा है तूने, गंदी सी। ओए क्या बकवास कर रहा है तू मेरे साथ, मेरे को गुस्सा मत दिला, ठीक है ना, वरना तेरे को मैं जान से मार दूंगा, चल यहाँ से। अब तू निकल यहाँ से, ये देखो यार गुस्से गुस्से में इसकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही और ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब तुम्हारे भाई की बारी, और अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो तुम्हारा भाई अल्टीमेट मेगलाडोन सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एमी को डेट कर पाएंगे। चलो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी, और यहाँ पर मुझे कौन सी गाड़ी लेके जानी चाहिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां है। तो गाइस यार मैं ये वाली गाड़ी लेके जाने वाला हूँ, काफी सही लग रही है यार। और ये क्या भाई साहब, मैं इतना ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ कि भाई मैं आधा शरीर बाहर है गाड़ी में से। ओए मेरा भी था। हाँ पर तुझसे ज्यादा पावरफुल मैं। गाइस यार आप लोग बताओ, आप लोगों ने कभी जिंदगी में लाइव शार्क देखी है, मतलब असलियत में कभी शार्क देखी है आप लोगों ने जू के अंदर, या फिर कहीं भी एक्वेरियम के अंदर, या कहीं पर भी बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से, ठीक है ना। या फिर आपने कौन कौन से जानवर देखे जो पानी के अंदर रहते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे भी तो पता लगे मेरे दोस्तों को कितनी नॉलेज और कितनी सारी चीजें लोगों ने देखी हुई है, और अपना नाम भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ से, ठीक है। ओए डस लूंगा, बकवास मत कर, तेरी वजह से मैं हार गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भाई वेनम अब भी मेरे पीछे पड़ा है। वेनम तेरे को क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर मेगलाडोन सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड होने वाला हूँ, और जिससे तू क्या तेरा पूरा खानदान पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं पानी के अंदर फाड़ दूंगा तुम लोगों को। ओके तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग काफी सही कर रहे हैं, वो बेटे मस्त कर रहा है तू। ओके तो गाइस यार यहाँ पर जो तत्तू हल्के वो भी मेरे को प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि यार मैं लोगों से काफी अच्छी गाड़ी चला पा रहा हूँ यहाँ पर। तो यार इस वाली जगह पर मेरे को अब कंट्रोल में चलानी है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर वेनम और स्पाइडरमैन दोनों ने गलती की, उन लोगों को लगा कि यहाँ पर गाड़ी तेज चलानी है, पर अगर यहाँ पर हम लोग ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और तुम्हें पता है जिगजैग रोड है, फिर गाड़ी में ब्रेक्स नहीं लगेंगे और सीधा नीचे टपाक, जैसे वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए वैसे तुम्हारा भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्क्वालीफाई हूं। और ये क्या भाई, ओ मैं जीत के वाला हूं, ओ ये लगाई मेरे चाप। आए बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैं गाड़ी में से सही वक्त पे नहीं कूदता तो भाई साहब मैं भी डिस्क्वालीफाई हो गया होता, पर कोई बात नहीं हमारे पास मौका है। और ये
ये क्या? अबे भाई साहब, मैं ये कैसी शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ? भाई साहब, क्या खतरनाक सोनिक शार्क के अंदर हम लोग अपग्रेड हो चुके, देख रहे हो? इसके पास मशीन गन से यार, ये तो आज तक की दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शार्क बन चुकी है। अगर सोचो पानी के अंदर मुझसे जो भी लेगा पंगा, मैं उसको कर दूंगा नंगा, क्योंकि भाई मेरे पास है खतरनाक वाली शार्क पावर्स और ऊपर से इतनी खतरनाक वाली मशीन गन्स यार। ओहो, और ये देखो भाई साहब, मैं तो पानी से बाहर भी कितनी तेज दौड़ पा रहा हूँ यार, सही में कमाल का है ये सब कुछ तो। चलो यार, मैं आ चुका हूँ फिलहाल एमिरोज के पास, और ये देखो मैं पानी के अंदर, क्या मैं तो पानी के ऊपर भी तैर पा रहा हूँ। क्या कमाल की चीज है, मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, मैं पानी के अंदर भी जा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं जमीन पर भी चल सकता हूँ। भाई साहब, ये तो सही में अल्टीमेट मेगालोडॉन शार्क के अंदर मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। एमी, अरे कहाँ गई एमी? अबे यहीं पर ही तो थी यार। एमी को कोई लेकर नहीं चला गया? अबे वो शार्क तो नहीं लेके चली गई यार? एमी कहाँ हो तुम? एमी, मैं लोगों को मार सकता हूँ भाई, देख रहे हो ना? अरे ये देख, शार्क पानी से बाहर निकल के आ गई, भागो। अबे मैं किसी को खाने नहीं वाला। एमी ये देखो। अरे ये कौन है? क्या अल्टीमेट शार्क है जो पानी से बाहर भी निकल पा रही है? एमी मैं हूँ सुमित, जो तुमसे सबसे पहले मिलने आया था। ओ इन लोगों की ऐसी तैसी, अबे निकलो यहाँ से बॉडी बिल्डर्स। एमी सिर्फ मेरी है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये शार्क पानी से बाहर निकल के कैसे मार रही है यार? अरे मेरे को क्या पता यार, अरे बचाओ। एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको पेड़ डालूंगा भाई साहब। एमी सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है और मैं ही एमी के साथ डेट पे जाने वाला हूँ, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और तू भी निकल। अबे ये बचा लास्ट वाला, और इसको भी मैंने यहाँ पर मार डाला। मजा ही आ गया वीडू। अरे वाह, मैंने आज से पहले इतनी खतरनाक शार्क नहीं देखी। अरे सही में तुम तो बहुत ही ओपी वाली शार्क के अंदर अपग्रेड हो गए, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जरूर चलूंगी, यू आर द बेस्ट। ओके तो गाइस, ये देख रहे हो आप लोग कितना रोमांटिक माहौल है। अरे मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पर हमने फाइनली अपने आप को एक अल्टीमेट सोनिक मेगालोडॉन शार्क के अंदर अपग्रेड कर लिया है एमी को पाने के लिए। तो गाइस यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक कर देना चैनल पर, भूल भटक के तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में स्टक साथ, जब तक ले सायोनारा। We're just getting started. I know that you want it, baby. Just get on it, ready to go. We know how to party. Pull up.